Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। काया, काया पता नहीं कहाँ चली गई। ब्रेकफास्ट एरिया की तरफ ही आई थी। काया, क्या तुम यहाँ हो? काया, गॉड। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम प्राची? कब से ढूंढ रही हो तुम? टेररिस्ट अटैक हुआ है यार। तुम हो कहाँ? मुझे मिली क्यों नहीं? Where are you? मैं ठीक हूँ, तुम पहले बताओ तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो ना? अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन आगे का पता नहीं। मैं ये मिस रिसेप्शनिस्ट के साथ। मिसेस? या फाइन, मिसेस रिसेप्शनिस्ट के साथ हूँ अभी। तुम मेघा के साथ हो? थैंक गॉड। यू नो हर? ऑफ कोर्स आई नो हर। सुनो, तुम उसके साथ ही रहना, उसे छोड़ के कहीं मत जाना, तुम उसके साथ सेफ हो। क्योंकि जब हमने ये होटल ज्वाइन किया था, हमें सिखाया गया था, अतिथि देवो भव, यू आर सेफ विद हर, यू अंडरस्टैंड? ये मूवी दिखाई थी? नहीं काया, जब हमने ट्रेनिंग ली थी, हमने ज्वाइन किया था, तो हमने एक शपथ ली थी, हमारे लिए हर मेहमान भगवान के समान है, हर एक मेहमान की जिम्मेदारी हमारी है, सो यू गेट इट, यू जस्ट बी विद हर, ओके? तुम कहीं मत जाना। कैसी बातें कर रही हो तुम प्राची? तुम ऐसे बोलो जैसे तुम यहाँ की एम्प्लॉई हो। मैं इस होटल का कोना कोना जानती हूँ। तो वो शपथ, वो प्रॉमिस जो हमने लिया था, वो मैं निभाऊंगी अपनी जान पे खेल के, क्योंकि सारे गेस्ट की जिम्मेदारी मेरी है, उनकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। जब तक गवर्नमेंट की हेल्प नहीं आती, मैं पूरी कोशिश करूंगी सबको सेफ रखने की। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तुम गणेश की वाइफ के साथ ही रुच के कहीं मत जा। अब ये कौन है? मेघा ही गणेश की वाइफ है। काम करो, बात कराओ उससे। ओके, मेरी फ्रेंड है, तुमसे बात करना चाहती है। हेलो मेघा। राची। मेघा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मेघा, याद है तुम्हें, हमने ओथ ली थी, अतिथि देवो भव, सबकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। समझ लो कि आज के दिन के लिए ही हमने ये ट्रेनिंग ली थी, ये शपथ ली थी। हमें सबको सेफ रखना है मेघा। मैं सबको सेफ रखूंगी, तुम भी, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी साथ की, तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम करोगी ना? क्या? ओके ओके, तुम जहाँ हो वहाँ सबकी सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी। मैं जहाँ हूँ मैं कोशिश करूंगी सबको सेफ रखूँ। पहले मुझे बताओ तुम कहाँ हो? हम लोग अभी किचन में है। ओके ओके, मैं वहाँ आती हूँ। तब तक तुम वहीं रहना, ओके? तुम कहीं मत जाना। और सुनो, बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग, आई विल कम राइट नाउ। तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैडम प्लीज, हम लोग को बचा लीजिए। मेरे पास मेरा छोटा बच्चा है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाके सो जाओ, कुछ देर के लिए। सो कैसे जाऊं मैं? मेरा बच्चा नहीं है मेरे पास। बच्चा? मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या गुजर रही है। एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती। ये आपका अंश है, आपका अपना खून है। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, उसका बाल भी बाका नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे सेफ रखूंगी। मैं आप दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगी। मैं आप सब मेरे साथ चलिए, आवाज मत करना। चलिए जल्दी जल्दी निकलिए, उठिए, आवाज मत करना, जल्दी जल्दी आगे आगे आगे। ये दरवाजा है, यहां से हम बाहर जा सकते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं आगे जाती हूँ, सिचुएशन देखती हूँ और इशारे से एक एक को बुलाती हूँ। आवाज मत करना, चुपचाप आ जाना है। डोंट वरी, स्टे स्ट्रांग, ओके? हम चले जाएंगे बाहर। अरे ये तो लॉक्ड है, चाबी भी गणेश के पास है। ये लॉक्ड है, इसमें ताला लगा हुआ है। आए तो इधर ही थे, इसी तरफ देख। एक काम करते, ये सीढ़ियां है ना, ये कॉरिडोर नंबर 3 से निकलती है, हम वहां से जा सकते हैं। मतलब कुछ नहीं, आप मेरे साथ चलो, आप चलो चलो निकलो आराम से। यहाँ तो कोई नहीं है, आए तो इसी तरफ थे। गायब कहाँ हो गए लोग?
यहाँ तो लॉक है, गए कहाँ है लोग? इधर गए या उधर? एक काम कर, तू सामने जा, मैं ऊपर जाता हूँ। ठीक है। ठीक है, सुन, जो भी मिले भून देना। हेलो, हाथ में गन है कि खिलौना? गन है बॉस। तो खाली करनी चाहिए थी ना उसकी भेजे में। ऐसे काम चलेगा हमारा? ऐसे जीतेंगे हम? हाँ, एक अकेले निहत्ते से मार खा के आ गए तुम। सॉरी बॉस, वो आवाज नहीं, आवाज नहीं। सबको इकट्ठा करो एक कमरे में, एक नई खबर है सबके लिए। ओके बॉस। मायका गुस्सा पता नहीं आपको बहुत जोर से डांटती है वो, और अगर उन्होंने कुछ कहा ना तो देख लेना। Are you serious? बैठो। तुम्हारी हाइट मेरे कमर तक नहीं आती, लेकिन तुम्हारी बातें ना मेरे सर के ऊपर चढ़ रही है। क्यों धमकी दे रही हो? मैं बड़ा हूँ तुमसे, मुझे पता है। I'm so sorry. मैं आपको डांट नहीं रहा था। I'm so sorry. आप प्लीज रो मत, मुझे माफ कर दो। मैं कान पकड़ू? नहीं, मैं पकड़ूंगी, लेकिन मैं आपको धमकी नहीं दे रही थी। मुझे पता है आप मुझे धमकी नहीं दे रहे थे। I'm really sorry. Please, मुझे माफ कर दो। सॉरी, सच्ची? नहीं, प्लीज आप सॉरी मत बोलो, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। I'm so sorry. आप माफी मत मांगो, बड़े लोग माफी नहीं मांगते, वो तो छोटे को माफ करते हैं। इसका नाम खुशी है, पर लगता है इसे ज्यादा खुशी कभी मिली नहीं है, अंदर से बहुत दुखी लगती है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।